गणेशा नादी का होता गजा पूजा सोर्ष ओम नाग भ्रष्ट समारूढ़ शूल हस्तम महाबलम। किसान आंदोलन को करीब 2 महीने पूरे होने वाले हैं और 11 दौर की वार्ता भी संपन्न हो चुकी है, पर अभी तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। इसी को लेकर मुरादाबाद में किसान भवन की पावन धरती पर शांति कुंज के द्वारा 5 कुंडे पावन यज्ञ का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋषिपाल सिंह ने बताया कि यह यज्ञ सरकार और प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसान की बात सुने और ये 3 कानून वापस ले। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हम दिल्ली की परेड में शामिल होना चाहते हैं और ये इतिहास में पहली बार होगा कि दिल्ली की परेड में किसान शामिल होंगे। किसान भवन की पावन धरती पर आज हमने 5 कुंडे यज्ञ का कार्यक्रम शांति कुंज के सौजन्य से यहाँ रखवाया गया है। वो सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए, प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए, सभी के लिए उच्चारण की आहुति परमात्मा तक जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब ये कि 58 दिन आंदोलन को हो चुके हैं, बीत चुके हैं और 11 दौर की वार्ता सरकार के बीच में हुई है कि सरकार इस किसान की बात सुने और ये जो कानून है इन्हें वापस ले। हमारे जवान भाइयों पर जो डंडा होगा उस डंडे में भी भारतीय किसान यूनियन झंडा फहराने का काम करेगी और परेड में शामिल चलेंगे। हम शांतिपूर्वक यहाँ दिल्ली की परेड में शामिल होना चाहते हैं। ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली की परेड में किसान शामिल हुए। अंत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सरकार किसानों की बात को गंभीरता से ले और उनकी घर वापसी करे। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार तुरंत इस चीज को गंभीरता से ले और किसान की बात सुने और घर वापसी करे। वहीं प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। पिछले 4 वर्ष से गन्ना मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गन्ने का भुगतान मानकों के अनुरूप अभी तक नहीं हो पाया है। इस ओर भी केंद्र और राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखिएगा सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, 4 गुने महंगे बिजली के रेट हैं और सरकार ने वर्तमान सीजन नहीं 4 वर्ष से किसी गन्ने पे मूल्य वृद्धि नहीं की है। गन्ने का भुगतान मानक में नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारा भुगतान गन्ना तोल के बाद तुरंत खाते में आना चाहिए और जो बकाया है उसका ब्याज किसान को मिलना चाहिए और बिजली की दरें मतलब हाफ हो, किसान का कर्ज माफ हो, इस तरह के हमारा वो है।